अबे ओ गुड्डू, हाँ? ग्लासेस उतार। क्यों? अभी अंधा लग रहा है। तू उतार। भाई हूँ, सही मशवरा दे रहा हूँ, उतार। नहीं तू उतार, देख तू उतार, डरना, उतार। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मुझे करने देंगे तकलीफ, प्लीज। अबे छोड़ तू। अबे तू छोड़। This is my bag. We know this is your bag. By the way, hi. Hi. Hello. Myself ना, Guddu. और मैं Titu. Okay. आपको आज पहली बार देखा है यहाँ पे। अब आप मुझे देखते ही रहेंगे। नहीं देखने वाली चीज। I mean आप हैं इतनी प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। I mean to say मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। ओह, तो आपने प्रोफेसर साहब वाला घर लिया? ओह नाइस टू मीट यू। रेंट पे। अच्छा, बाय द वे हम बिल्कुल सामने ही रहते हैं, अगर आप किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह दीजिएगा। वो क्या है ना, हमसायों के भी हकूक होते हैं। जी जी जरूर। आप मेरा नंबर लिखे। तेरा नंबर क्यों? मैं बड़ा हूँ ना। वैसे आपने अपना नाम क्या बताया? मैंने आप लोगों को अभी तक अपना नाम बताया ही नहीं है। हाँ तो मसला ही कोई नहीं, अब बता दे आपका नाम क्या। ऐसे आई आई, ओए चलो जाओ तुम लोग। वो तेरी हाँ कसम, मम्मी ने मना किया गाली देने से, वरना इसको मैं दोजख पहुंचा देता। अभी मैं देखता हूँ इसको। वैसे है बड़ी प्यारी। ओ नहीं 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 यार, प्यारी नहीं है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल आपकी सिस्टर की तरह। ओ तेरी। अबे गुड्डू यार, ये लड़कियां इतनी प्यारी होती है। अबे तुम्हें तो हर लड़की प्यारी लगती है। हाँ तो लड़कियां होती ही प्यारी हैं। खैर हम लड़के भी किसी से कम नहीं है। अरे लड़कियां जितनी भी प्यारी हो जाए ना, मरती है फिर भी लड़कों पर ही हैं। जैसे कि टॉम क्रूज, फवाद खान, शाहरुख खान और गुड्डू खान। ये फवाद खान, शाहरुख खान, ये गुड्डू खान कौन है? अरे तुम्हारा भाई गुलफाम उर्फ गुड्डू खान। ये खान कब से हो गए तुम? वो जब से मैंने PTI ज्वाइन किया। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। ओए लड़की आई रे, ओए लड़की आई रे। हाँ यार वैसे तब्दीली तो आई है, मगर इस तब्दीली ने अपना नाम नहीं बताया। अरे नाम क्या तेल लेने। तो ये सोच कि तुम्हारे मोहल्ले में एक टाइट किस्म की बच्ची किरायेदार बनकर आई है। एटलीस्ट वो खड़ूस चच्चा में और उनके बेटे बंटी। यार उस बंटी की वजह से हम शरीफ लड़कों का मोहल्ले में शॉर्ट्स पहनना मुश्किल हो गया था। यार वैसे एक बात नोटिस की है, ये जो नई बंदी आई है बड़ी लुक्स करवा रही थी भाई को यार। हाँ हाँ भाई समझ कर। पैसाले आगे पीछे खाला जात तो लगा देता कम से कम। बड़ा आया गुड्डू खान, हम भी इधर ही रोए। बिरयानी फॉर यू। लेकिन मैंने तो फिश एंड चिप्स ऑर्डर किया था। लेकिन मेरे पास तो अभी फिलहाल बिरयानी है। तो फिर आपने ऑर्डर क्यों रिसीव किया था? ओहो, मुझे लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। याद करें सुबह हम मिले थे। ओह वो, अच्छा अच्छा तुम।
जी। अच्छा जी, दरअसल आज आपका पहला दिन है ना यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि आज का पहला डिनर मेरी तरफ से। स्वीट ऑफ यू, कितने अच्छे हो। थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन मुझे ना फिश एंड चिप्स ही खाना था। अरे आप एक दफा इस बिरयानी को चखेंगी ना, आप फिश एंड चिप्स भूल जाएंगी सायरा जी। सायरा? सायरा नहीं, तानिया नाम है मेरा। शुक्रिया नाम बताने के लिए। I know. अब मैं बिरयानी टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी। जी जी, करे करे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जी जी, खा के बताती हूँ कैसी बनी है। आई होप अच्छी होगी। एकदम फिट, बहुत मजे की है। किसने बनाई? ये मैंने अपने हाथों से बनाई, कुंवारे प्यारे हाथों से। देखे जो लड़के कुकिंग करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओ नहीं, वाकई? मेरा बस चले ना, मैं अपना बेड उठाऊं और उठा के किचन में रख दूं। मुझे कुकिंग का इतना शौक है, आपको पता है मेरे दोस्त मुझे क्या कहते हैं? ओ देखो वो वर्जी आ गया। यस, आप इतना लेट क्यों गए? अरे आप, ओ ओ कौन? बिरयानी कैसी लगी आपको? कौन सी बिरयानी भाई? अरे वही जो आपने दिन में ऑर्डर किया था मुझे, और मैं लेकर आया था, और आपके पास छुट्टा नहीं था, आपने 20 रुपए कम भी दिए थे मुझे। क्या ये बिरयानी दोपहर की है? ओ नहीं नहीं, वो तो टीटू खा गया, ये तो मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे नहीं भाई, ये वही बिरयानी है, रंग बता रहा है इसका। तू यहाँ रंग में भंग डालने आके? जी बिल तो ले लूं। हाँ मैं बिल ले क्या। अरे नहीं नहीं नहीं, तानिया जी मेरे होते हुए आप बिल देंगी? इम्पॉसिबल, मैं देता हूँ ना बिल। चलो फिर इसे 500 रुपए टिप भी दे देना। 500? हाँ भाई, खाते पीते घर के हो, 500 रुपए टिप नहीं दे सकते? मेरा मतलब 500? अरे शक्ल पे तो मैं 5000 भी मार दूं, ऐसी कौन सी बात है। रईस ज्यादा कहते हैं मुझे, गुड्डू दी रईस नाम है मेरा। मेरी टिप भाई जो दिए ना, ये भी ले लूंगा, निकल यहां से। ओके चली गई। 500 थे, 600 थे, 700 बे। कहां गया था तू? वो हवा खाने गया था। अच्छा बहुत अच्छे, अकेले अकेले गया? होम डिलीवरी करवा देता, दोनों भाई मिलके खाते। अबे घूचू, हवा की बात करूं, हलवे की बात नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, किचन में जा, कुछ बर्तन पड़े जाके धो ले। नहीं मेरी बात सुन, मैं किसी एंगल से तुझे मासी नजर आता हूँ। अच्छा तो उस मासी को किसने पकाया था? उस जरीना में तुझे कतरीना दिखाई देती थी? ओ हेलो, ओ भाईजान, ब्रदर, गुड्डू खान का इतना लो स्टेटस नहीं है कि मासियों के आगे पीछे लगता फिरे। हाँ जी, वो तो बस उसकी भांजी थोड़ी सी थी। बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे उसकी भांजी अमेरिकन स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा खैर चल, मुझे एक बात बता तू आज, फिर तू किस खुशी में उसके आगे पीछे फिरता रहता था? हाँ वो उसकी टिकटॉक आईडी का क्या नाम था? स्लीपिंग मानो। हाँ और वो उसका एक गाना वायरल हुआ था ना, जिसमें उसने डांस किया था, सोने दूध पीते ने कच्चे। हाँ वो तो मैं बस यूं ही मॉरल सपोर्ट के लिए करता था, बेचारी गरीब लड़की थी, मेरी वजह से कुछ फॉलोअर्स बढ़ गए, इसमें बुराई क्या है? इमोशनल। तो देखना। 3, 2, 1
कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? सो मेरा पूछने का मतलब है कि अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो देखिए मैं आपका हमसाया हूँ, यू नो हमसायों के भी हकूक होते हैं। सो मेरा पूछने का मतलब है कि अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो फिलहाल तो मैं ग्रोसरी के लिए जा रही हूँ। अरे बस ग्रोसरी, मेरे होते हुए आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत सिद्रा जी? अरे भाई सिद्रा कौन है, मैं तानिया हूँ। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, बिल्कुल आपकी तरह, इतनी प्यारी, दिल करता है आपकी आंखों में डूब जाऊं। हाँ तो मैं कह रहा था कि मेरा अपना ग्रोसरी स्टोर है, आइए आपको वहां से शॉपिंग करवाता हूँ तानिया जी। नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता ना यूं किसी के स्टोर से मुफ्त में इतनी सारी शॉपिंग करना। मुफ्त में क्यों जी? हाँ जाहिर है अब तुम मुझसे पैसे लोगे, तुमने तो कहा था इंसानों के भी कुछ हकूक होते हैं, इनका याद नहीं है तुम्हें? जी जी। तो फिर चले, दूध आटा घी दही सब कुछ बहुत महंगा हो गया है भाई। आ जाओ ना। जी जी। बहुत थक गया। ठीक से थक गए? अभी तो मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है, असली शॉपिंग तो मैं संडे को करूंगी। हाँ ना मुझे पता है कि तुम बिल्कुल इनकार नहीं करोगे, देखो ना शक्ल से इतने बड़े दिल वाले लगते हो तुम। दिल तो मेरा बहुत बड़ा है। सेना आई मस्ट से तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड होगी ना, ओए होए होए बड़ी लकी होगी वो। वो गर्लफ्रेंड तो मेरी है ही नहीं जी। क्या स्ट्रेंज, इतना गुड लुकिंग हैंडसम ब्यूटीफुल लड़का और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? वो क्या है ना, इन सब क्वालिटीज के साथ साथ मैं बहुत शरीफ भी हूँ। वो आप पॉलिटिक्स में भी है, वो वोट को इज्जत दो वही वाला ना म्यूजिक, वोट को इज्जत दो वोट को। अबे म्यूजिक बंद कर। नहीं नहीं पॉलिटिक्स वाला शरीफ नहीं, किरदार वाला शरीफ। अच्छा अच्छा वो तो आप मुझे देखने से बहुत शरीफ लगते हैं बस। थैंक यू जी। और कोई हुकुम मेरे लिए? हाँ ना है, वो ना जाने से पहले दरवाजा बंद कर देना, वो क्या है ना मेरे शोल्डर से बहुत पेन हो रही है, पता है आज मैंने इतनी शॉपिंग की है नींद भी बहुत आ रही। तो चले सो लेते हैं जी। मेरा मतलब है आप रेस्ट करें, मैं चलता हूँ जी। अल्लाह हाफिज़। अरे आप इधर कहाँ जा रहे हैं, यहाँ मेरा कमरा है, बाहर वो है। सॉरी सॉरी सॉरी। बाय बाय। आई गो शॉपिंग कर लिया आज। अरे क्या क्या किया गया है। हाँ आइए ना बैठिए, मैं आपके बारे में सोच रहा था कब से। Really? जी मेरा फोन खराब हो गया है, पता नहीं चल नहीं रहा है। ओह इसमें कौन सी ऐसी टेंशन वाली बात है। अरे 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 आप जैसी हसीन लड़की ये मिडिल क्लास फोन यूज करे, आप नया ले लें। नया फोन? आपको तो पता है ना। नहीं क्या? आप भी ना, आपको पता है ना इस शहर में मैं नई हूँ, मुझे तो यहाँ की फोन मार्केट का ही नहीं पता कहाँ है वो। ओहो आप टेंशन ही ना ले, मैं हूँ ना आपका फोन घर ले आऊंगा, एक दफा ऑर्डर तो करें। नहीं 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 मैं मुफ्त का फोन नहीं रख सकती ना। मुफ्त? मुफ्त? जाहिर है आप खाते पीते घर से हो, खानदानी रईस हो, ऊपर से आप मेरे हमसाये भी हो, तो आप मुझसे पैसे लोगे क्या? जी गुड्डू क्या लग गए? जाहिर है आप मुझे कोई सस्ता वाला फोन या हल्का वाला फोन तो गिफ्ट भी नहीं करेंगे ना। वो आईफोन नहीं आईफोन, उसका नया मॉडल आया है, ओहो क्या क्लासी है यार, वो आप मुझे ले दें, मुझे बहुत पसंद है। डन डन गुड्डू आ जाएगा, आ जाएगा पक्का। याद से वो उसकी तीन आंखें होती हैं।
see you tomorrow. See you, see you, see you. आए चली गई कोई बात नहीं क्या मलाई हाथ थे इसके वो हाँ क्या हो गया ओ यार ओ, कुछ भी नहीं हुआ कौन आया था वो ना बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो उनकी बॉल आ गई थी बॉल फेंकने आया था बस रात के 10 बजे क्रिकेट हाँ बेवे खेल कूद का कोई टाइम थोड़ी हो तो क्या बोल रहा है जो तू सुन रहा है बाय गुड नाइट अभी मैं गली से आया हूँ ना बच्चा ना बच्चे की जात खेल कौन रहा था ये पागल हो गया है में जाके देखता हूँ ये खुल नहीं रहा है अपनी जो खुल गई है कुछ कहा आपने ओए नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं खुल गया ये ओह माय गॉड कितना प्यारा फोन है ये आई लव दिस वन थैंक यू सो मच एक्सपेंसिव भी है बुल्लू हमारी दोस्ती से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है भाई तुम्हें पता है जब लड़की ऐसी बातें करती है ना सख्त से सख्त लौंडा भी पिघल जाता है मोबाइल सच में बहुत अच्छा है गुड्डू थैंक यू सो मच आई रियली लव यू आई लव यू टू लव यूट्यूब I mean to say, इस फोन पे ना यूट्यूब की वीडियो देखने का बहुत ही मजा आएगा और आपको पता है मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है फ्यूचर फ्लैश के नाम से सब्सक्राइब करो ना आप ऑर्डर करें देखिएगा पूरी दुनिया से सब्सक्राइब करवा लूंगा मैं आप बहुत अच्छे हो उसको भी अभी फोन करना था कौन है ये ना एक्चुअली मेरा कजन है मेरी मरहूम पुप्पो का लड़का है ना तुम्हें तो पता है पुप्पो के लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं होते अच्छा मैं नहीं जानती इसे जानिएगा भी मत एक नंबर का आवारा ठरकी छिछोरा है चलिए अच्छा आए ना आ जाओ आओ बैठो मुझे तो ना थरकी लड़के वैसे भी बहुत बुरे लगते हैं उफ क्या बताऊं मैं मुझे खुद आपको पता है एक दो बार ऐसी लड़कियों से कूट भी पड़ी है Really? Oh my God. मैंने बहुत बार समझाया उसको लेकिन ये मेरी कहां सुनता है आप ना आप उस आवारा बुड्ढू से दूर रहिएगा हाँ हाँ आपको पता है मैं तो खुद ऐसे लड़कों को ना मुंह ही नहीं लगाती झूठी है अच्छा करती हैं आप इन जैसों को मुंह लगाना तो दूर की बात है चमार भी नहीं लगानी चाहिए बाद में आके कहते हैं टच तो किया उसने सच में ऐसे ही है ओ मेरी कॉल आ गई है आप रिसीव कर ले प्राइवेट भी है ना मुझे कोई मसला नहीं है मेरा मतलब है प्राइवेट कॉल है ओ सॉरी 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 क्या हो रहा है बोर हो रहा हूँ बोर क्यों हो रहे हो बहुत मिस कर रहा हूँ आपको अरे मिस क्यों कर रहे हो आज ही तो मिले हैं हम क्या करूँ जितना भी मिल लो जी नहीं भरता किससे चैटिंग चल रही है भाई की रशीद रशीद प्लम्बर से तुम्हारी मुश्ताक इलेक्ट्रिशियन से तू है भी इसी काबिल के तुम इलेक्ट्रिशियन से बात करें अच्छा सुनो आज तुमने रात में मेरे यहाँ डिनर पे आना है 8 बजे डिनर पर हाँ मेरी तरफ से खाना है दावत है तुम्हें आप कहे तो अभी आ जाऊं अरे नहीं अभी नहीं रात में आना है मैं 7 बजे आ जाऊंगा
नहीं नहीं 8 बजे। मुश्ताक भाई वो जरा नीचे का बल्ब उड़ गया। अबे ओ किधर की तैयारी है उस्ताद? खाला के पास जा रहा हूँ, काफी दिन से बुला रही थी। अम्मी के पास जा रहा है? पप्पू के पास जा रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा चलो। तू कहाँ जा रहा है? चाचू की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा चाचू को मेरा सलाम देना। वालेकुम सलाम। चल ठीक है चल मिलते हैं रात को। हाँ हाँ ठीक है निकल वहां से। अबे गुड्डू तू? अरे टीटू तू आप तू? अरे आप दोनों एक साथ एग्जैक्ट टाइम पे आ गए। हम दोनों को बोला एक साथ। हाँ ना किसी से मिलवाना है आप दोनों को। तय इसने आज अपनी मम्मी को बुलाया रिश्ते की बात करने के लिए। अपने डैडी को बुलाया इसने रिश्ते की बात करने के लिए। अरे आ जाइए। Hi, I am Daniel, Tania's husband. अम्मी। तानिया बता रही थी कि तुम दोनों ने तानिया का भाइयों की तरह ख्याल रखा है। भाई वैसे भी मेरा कोई साला नहीं था। अबूजी। मुझे अब तुम दोनों की शक्ल में दो दो साले मिल गए। गुड। अबे ओ निकल साले। कहाँ जा रहे हो सालो? अकेले थोड़ी जाएंगे तुझे भी लेके जाएंगे। उठा। अरे तानिया अबे कर तानिया अरे उधर चल। अच्छा चल उधर ही चल। तानिया तानिया जल्दी।